वेल तो गाइस काफी दिनों से मार्केट में सुनने को आ रहा है कि जो विंडोज 11 है वो मार्केट में इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है एंड जो इसके यूजर बेस है वो दिन बर दिन कम होता जा रहा है एंड जितने भी यूजर्स ने इस पे अपग्रेड किया था वो डाउनग्रेड कर रहे हैं विंडोज 10 में। तो गाइस कंप्लीट बात करेंगे कि क्या ऐसे रीजन रहे हैं जिसकी वजह से जो इसका यूजर बेस है वो दिन बर दिन कम होता जा रहा है एंड जो इसकी हाइप बनी हुई थी काफी मंथ से कि जो विंडोज 11 है काफी बेहतरीन विंडोज है तो गाइस वो भी दिन बर दिन कम होती जा रही है। तो कंप्लीट मैं इस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ, सो आपको वीडियो को जरा सा भी स्किप नहीं करना। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यार गाइस पहले मैं उन रीजन पे बात करना चाहूंगा जिनकी कारण विंडोज 11 इतना अच्छा मार्केट में परफॉर्म नहीं कर पाई है। सो गाइस जो हमारा फर्स्ट रीजन है वो है इसकी रिक्वायरमेंट से रिलेटेड। जी हाँ गाइस विंडोज 11 की रिक्वायरमेंट सबसे ज्यादा अलग रिक्वायरमेंट है जितनी भी हमारी पुरानी विंडोज के वर्जन थे, यानी विंडोज 7, 10 हो गया, 8 हो गया। गाइस इनकी रिक्वायरमेंट बहुत ही लिमिटेड रिक्वायरमेंट थी, बट गाइस जो हमारी विंडोज 11 की रिक्वायरमेंट है वो काफी ज्यादा अलग सी रिक्वायरमेंट है। गाइज इसमें आपको TPM 2.0 की जो है सपोर्ट चाहिए। इसमें गाइज आपको सिक्योर बूट एंड और काफ़ी किस्म की आपको रिक्वायरमेंट देखने को मिल रही थी। तो गाइज ये हमारे जितने भी पुराने पीसेज हैं वो फुलफिल नहीं कर पाए, यानी गाइज जिसके भी PC 2.16 से ओल्डर है या फिर 2017 से ओल्डर है गाइज उसमें ये वाले फीचर्स देखने को नहीं मिल रहे थे जिनके कारण वो विंडोज 11 में ऑफिशियल अपग्रेड नहीं कर पा रहे थे। गाइस मैंने काफ़ी वीडियोस बनाई थी कैसे आप विंडोज 11 में अनसपोर्टेड पीसी में विंडोज 11 को इंस्टॉल कर सकते हैं, बट गाइस वो एक टाइप का जुगाड़ था एंड गाइस जो ऑफिशियल सपोर्ट थी उन पीसीज में देखने को माइक्रोसॉफ्ट विंडोज की तरफ से नहीं देखने को मिल रही थी। तो गाइस ये काफ़ी बड़ा इशू है जिसके कारण जो यूजर बेस है विंडोज 11 का इतना बड़ा इंक्रीज नहीं हो पाया, क्योंकि गाइस मेजॉरिटी ऑफ द जितने भी हमारे इंडिया में या फिर ऑल ओवर द वर्ल्ड पीसीज हैं वो अनसपोर्टेड हो गए थे जिसके कारण जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज पे इतनी ज़्यादा अपग्रेड नहीं आ पाए हैं। एंड गाइज जो हमारा सेकंड रीज़न है वो गाइज है इसकी जो गेमिंग परफॉर्मेंस है अनसपोर्टेड पीसी में वो इतनी अच्छी देखने को नहीं मिल रही। जी हाँ गाइज विंडोज 11 का ये दावा किया है कि भाई जो विंडोज 11 गेमिंग में बहुत अच्छी परफॉर्म कर रही है क्योंकि लाइटर OS है, बट गाइज ये सिर्फ सपोर्टेड पीसीज में ही अच्छा परफॉर्म कर रही है। जितने हमारे अनसपोर्टेड पीसी यानी जो ओल्डर पीसीज हैं उनमें ये इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही। मुझे भी गाइज काफ़ी ज़्यादा मेरी वीडियोस में कमेंट आए थे कि भाई जो हमारी विंडोज 10 में थे या विंडोज 7 में हमें FPS गेमिंग में देखने को मिल रही थी वो विंडोज 11 में देखने को नहीं मिल रही एंड बहुत ही कम FPS देखने को मिल रही है सेम ड्राइवर्स एंड सेम जो हमारे PC स्पेक्स के साथ। तो गाइज ये भी काफ़ी बड़ा इशू था एंड इसका डाउनफॉल था जिसकी वजह से विंडोज 11 की जो हाइप बनी हुई थी वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गई। सो गाइज ये काफ़ी मेन रीजन है जिनकी वजह से विंडोज 11 मार्केट में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई है। बट गाइज विंडोज 11 ने TPM 2.0 वाली जो रिक्वायरमेंट्स थी इनको डिले कर दी है एंड अगर आपके पीसीज में TPM 2.0 सपोर्ट नहीं करता तो आप उसमें विंडोज 11 में अपग्रेड कर सकते हैं। बट गाइज उसमें भी इन्होंने एक चीज कर दी जो आपका होम स्क्रीन थी उसमें गाइज आपको राइट साइड पे डाउन साइड पे आपको वाटर मार्क सा दे दिया जिसमें आपको लिख के आ रहा था कि जो आपकी विंडोज़ है वो विंडोज़ जो आपने प्रो या विंडोज़ का जो सा वर्जन इंस्टॉल किया वो आपकी सिस्टम रिक्वायरमेंट के साथ मैच नहीं करता। तो गाइज ये भी काफ़ी ज़्यादा एक दिक्कत थी एंड जो यूजर्स हैं उनको अच्छा नहीं देखने को लग रहा था कि भाई हमने एक विंडोज़ 11 को इंस्टॉल भी कर दिया, अपने PC में अच्छे से वर्क भी करी है, बट हमें फिर भी ये वाटर मार्क दे दिया। तो गाइज ये भी इसका काफ़ी बड़ा डाउनफॉल था के कारण जो हमारी विंडोज 11 है वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही है। बट गाइज मैं अभी उन फीचर्स के बारे में बात करूंगा जिनके कारण विंडोज 11 की इतनी बड़ी हाइप बनी है। तो गाइज वो हमारे फीचर्स में जो हमारी फर्स्ट लिस्ट में आता है वो गाइज है इसकी एनिमेशंस। गाइज जो विंडोज 11 की एनिमेशंस है वो काफ़ी बेहतरीन एनिमेशंस है, जितने भी हमारे ओल्डर वर्जन ऑफ विंडोज है यानी विंडोज 10, 11 उनमें गाइज ऐसी एनिमेशन देखने को नहीं मिली कभी भी। एंड गाइज जो इसकी ऐप्स में डिटेलिंग है, जो इसकी ऐप शेडोज है एंड जितने भी माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के ऐप्स होते हैं उनमें गाइज जो डिटेलिंग की गई है वो मतलब बहुत ही ज़्यादा शानदार है। सो गाइस इन रीजंस के कारण विंडोज 11 की हाइप भी काफ़ी ज़्यादा क्रिएट हुई है एंड गाइस जो विंडोज 11 की लुक्स है ना वो काफ़ी ऐसे फ्यूचरिस्टिक लगती है एंड जो उसकी लुक्स है उनमें मतलब कोई भी कमी नहीं है। सो गाइस ये काफ़ी अच्छी बात है विंडोज 11 की। एंड गाइज बात आती है उन बग्स की, तो गाइज आई होप माइक्रोसॉफ्ट लेटेस्ट अपडेट प्रोवाइड करके उन बग्स को सॉल्व कर देगा। सो गाइज आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी, पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल बड़े चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आपसे किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।